आज ही के दिन 1688 में फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन 1726 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई, कलकत्ता और मद्रास में नगर निगम और महापौर अदालतों को बनाने के लिए अधिकृत किया गया। आज ही के दिन 1789 में अमेरिका में अटॉर्नी जनरल का कार्यालय बनाया गया। आज ही के दिन 1859 में सैन्य विद्रोह में सक्रिय रहे नाना साहब का निधन हुआ। उनका मूल नाम धोंडो पंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया। आज ही के दिन 1861 में प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा का जन्म हुआ। भीकाजी रुस्तम कामा अथवा मैडम कामा ने विदेश में रहकर भी भारतीय क्रांतिकारियों की भरपूर मदद की थी। रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए सुविख्यात हैं। आज ही के दिन 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में दलितों के लिए विधानसभाओं में सीटें सुरक्षित करने को लेकर एक विशेष समझौता हुआ। आज ही के दिन 1932 में ही बंगाल की क्रांतिकारी राष्ट्रवादी प्रीतिलता वाडेदार देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली पहली महिला बनी। आज ही के दिन 1948 में होंडा मोटर कंपनी की स्थापना हुई। आज ही के दिन 1950 में पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहिंदर अमरनाथ का जन्म हुआ। मोहिंदर अमरनाथ जिम्मी के नाम से जाने जाते हैं। अपने समय के तेज गेंदबाजों का सामना करने में मोहिंदर अमरनाथ सबसे माहिर माने जाते थे। वे भारत के प्रथम कप्तान लाला अमरनाथ के पुत्र हैं। मोहिंदर अमरनाथ वर्ष 1983 में भारत की पहली विश्व कप जीत के नायक थे। आज ही के दिन 1978 में पूर्व सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। आज ही के दिन 1979 में घाना में संविधान अपनाया गया। आज ही के दिन 1996 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन 2003 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति जाक शिराक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया। आज ही के दिन 2007 में म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ यांगून शहर में 1,00,000 से अधिक लोग सड़कों पर उतरे। आज ही के दिन 2009 में देश के पहले चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के होने की पुष्टि की। और आज ही के दिन 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के उपग्रह मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया।